हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको मैं ब्लाउज में सिंपल डिजाइन और पाइपिंग धागे वाली लगाने का तरीका बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, मेरे पास है ब्लाउज का बैक पार्ट। ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। इसका तीरा मैंने ये देखिए 5.5 इंच रखा है। आरम होल मैंने 6 इंच रखा है। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। ये देखिए, अब मैं इसका गला कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से 2.5 इंच रखूंगी तीरे वाली साइड से, और लंबाई गले की रखूंगी मैं 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये गला मैं पान की शेप में बनाऊंगी। ये डिजाइन वैसे मैं सिंपल ही बनाऊंगी। ये देखिए, इस प्रकार से घुमाते हुए, ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको कट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इसको सीधा करूंगी और दूसरे कलर का कपड़ा लूंगी जिससे मैं पाइपिंग निकालूंगी। ये देखिए, पाइपिंग निकालने के लिए मैंने उरेब की पट्टियां कट की हैं और ये पट्टियां मैंने तैयार कर रखी हैं। अब मैं आपको पाइपिंग निकालना बताऊंगी। पाइपिंग निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि हम इस धागे को इस प्रकार से अंदर डालेंगे और इस प्रकार से फोल्ड करते हुए यहां पे रखेंगे, और जस्ट धागे के पास से बिल्कुल इस प्रकार से, देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, फिर इसी में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। ये देखिए, इसमें साथ में ये आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ धागे जितना ही दूरी पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल धागे के पास से दूर नहीं रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ब्लाउज वाले कपड़े को हम साइड में कर देंगे और इसको धागे को इस प्रकार से ही अंदर डालेंगे, और ये देखिए ब्लाउज के साथ बाद में अटैच करेंगे और इसको बिल्कुल अकेले इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये पहले से ही तैयार हो जाएगा। ये सिलाई भी बिल्कुल धागे के पास से ही रखूंगी मैं। ये देखिए, बिल्कुल लूज नहीं रखूंगी। ये पाइपिंग लगाने की तरीका किसी मेरी बहन ने पूछा था, इसीलिए मैं आज आपको ये बता रही हूँ। ये देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, पहले से इस प्रकार से तैयार कर लेंगे और फिर ब्लाउज वाला कपड़ा लेंगे। ये देखिए, और इसको इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे, और जो ये सिलाई लगा रखी है, पहले से जो ये सिलाई लगाई है, इसके ऊपर ऊपर मशीन चलाएंगे बिल्कुल। ये देखिए इस प्रकार से, इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी धागा इधर उधर नहीं निकलेगा, पहले से तैयार की हो हुई हो तो। ये देखिए, यहाँ तक तो मैंने पहले सिलाई लगाए हुए धागे से लगाया है, और इस साइड मैं साथ की साथ सिलाई लगाऊंगी और साथ की साथ धागा अटैच करूंगी। ये देखिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ये देखिए,
साथ करें तब भी इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये चीज बिल्कुल धागे के पास से सिलाई आनी चाहिए, ठीक है, धागा बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। ये मैंने आपको दो तरह से बताया है, ब्लाउज के आधे भाग में मैंने पहले से तैयार कर ली थी पाइपिंग और आधे भाग में बाद में लगाई है। ये देखिए मेरी बिल्कुल बराबर लगी है, ठीक है। अब मैं जो ये कपड़ा है इस ऊपर वाले कपड़े को मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूंगी और इसको थोड़ा थोड़ा सा सफाई से कट कर दूंगी। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए मैंने जो ज्यादा बदा हुआ कपड़ा था वो निकाल दिया। अब मैं जो ये ऊपर वाला कपड़ा है इसको इस प्रकार से फोल्ड करूंगी। ये देखिए बिल्कुल सफाई से बराबर बराबर और सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। इसी प्रकार से धीरे धीरे मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आप चाहो तो इस पे सिलाई भी रख सकते हैं, आप चाहो तो इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी। और ये देखिए मेरा बिल्कुल पान टाइप में गला बन के तैयार हो चुका है। इस पे मैं थोड़ा सा आपको डिजाइन करके दिखाऊंगी, आप सिंपल भी रख सकते हो। ये देखिए मैं लेस लूंगी और ये पाइपिंग वाली पट्टी से थोड़ा सा दूर रखूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पाइपिंग टाइप में ये कपड़ा रखूंगी और इसको इस प्रकार से पूरे गले में लगा दूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने लेस की एक पट्टी लगा ली। अब एक पट्टी में कुछ दूरी पे, ये देखिए कुछ इतनी दूरी पे और लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने लेस की दोनों पट्टियां लगा दी, डिजाइन बनके तैयार है। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण डिजाइन है, आप आराम से बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।